जो भाइयों से आए हैं उनको भी आदाब, जो बसों में चुस चुस के आए हैं उनको भी आदाब, भाइयों को भी आदाब और उनकी बहनों को भी आदाब। मेरा नाम पदमलाल पुन्नालाल बख्शी है, मैं सीएम पद का उम्मीदवार हूँ। ये म्यारो असाइनमेंट है। हाँ वही वही, और ये हमारे सिक्योरिटी गार्डर है। तुम बन जाने का आइए सर, आप तो हमारे स्टूडियो में तो आ गए थे। शांत करिए, सर ये स्टूडियो है, चलिए हम एक चेयर होती है काट लें। एक चेयर का हूँ मैं, ब्रह्मन छोटी चार भाई, एक तक छोटी चार भाई। चलिए नेताजी, आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। इंडिया के कौन से राज्य में हुआ होता है, हम तो जगदान लोग घर में पैदा हुए थे। अरे नहीं मेरा ये मतलब था कि इंडिया में कौन से इलाके और कौन से फिल्मों में पैदा हुए थे। उस टाइम पे तो मेरी आंखें भी बन गई, को क्या मालूम होगा पैदा हो रहा है। चलिए छोड़िए सर इन सवालों को, अब चलिए कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हो जाए। तो नेताजी सबसे पहला सवाल आपके लिए, जान पे कदम किसने रखा था? लेकिन आपने बता दिया कि पहला कदम चांद पे नीलाम स्ट्रॉन्ग ने रखा था, लेकिन सर दूसरा कदम किसने रखा? चलिए ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हुए तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार कैसी चल रही है, गवर्नमेंट कैसी चल रही है सर? ये गवर्नमेंट कौन है भाई? अच्छा सरकार, हमारी सरकार तो राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे मतलब भगवान भरोसे? वो राम भरोसे नहीं, ये राम भरोसे सारा काम ये करे, मैं तो सिर्फ अंगूठा लगाऊ अंगूठा। वेरी गुड सर, ये बताइए कि आपका डेमोक्रेसी के मामले में क्या कहना? डेमोक्रेसी क्या है? प्रजातंत्र। अच्छा प्रजातंत्र, जनता के द्वारा जनता की ऐसी की तैसी, इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। वेरी गुड। नेताजी नेताजी ये बताइए कि आपने जनता के लिए क्या क्या किया? ये क्वेश्चन जनता का था। जनता के लिए पिछली साल कंबल लौटवाए थे। जनता को नहीं, जानवरों को, गाय भैंसों को। अरे नेताजी मतदान आपने जनता से लिया और कंबल जो था दर्शकों को उठाया, ऐसा क्यों? अरे भाई सर्दी में मर ना जाते, दूध का नहीं गई पीते हैं, उनसे गद्दारी कभी ना करते। अच्छा नेताजी, तो नेताजी अब इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए आपने एक और क्वेश्चन, कि पिछले महीने एक गांव में आग लग गई थी, उसमें आपका क्या योगदान रहा? उसमें मारो योगदान ये रहा था, जो घायल थे उनको तो पहुंचाया शमशान घाट, और जो मर गए थे उनको भर्ती कराया अस्पताल में, और जुर्माना देने में हमने कोई पसंद नहीं छोड़ी। 50 रुपये का जुर्माना घायलों को और 10-10 रुपये का जुर्माना मरगों को दिया हमने। आपने ये नहीं बताया कि आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह झूठा है, झूठा। सर आपने बहुत ही अच्छा चुनाव चिन्ह रखा है। अच्छा नेताजी, अब पार्टियां तो बहुत हो गई, आप अपनी पार्टी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? भाई भारी बहुमत से हमें विजयी बनाए, फिर भारी मतों से हमें विजयी बनाए, जो चाय से नमाने उसे दूध और लस्सी पिलाए। वो बताली आपने बजट किया बहुत बढ़िया किया सर, जो अभी कुछ महीनों से महंगाई बढ़ रही है, इसका क्या कारण है? कितने और सवाल लगे सब्जेक्ट में आपके? सर अभी तो कुछ और रहेगा, 4-5 क्वेश्चन और रहेगा। अरे नेताजी सर प्लीज, काम ये करे, मैं तो सिर्फ अंगूठा लगाऊ अंगूठा। वेरी गुड सर,
ये बताइए कि आपका डेमोक्रेसी के मामले में क्या कहना? डेमोक्रेसी क्या हुआ है? प्रजातंत्र। अच्छा, प्रजातंत्र, जनता के द्वारा जनता की ऐसी की तैसी, इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। वेरी गुड। नेताजी, नेताजी ये बताइए कि आपने जनता के लिए क्या क्या किया? ये क्वेश्चन जनता का था। जनता के लिए पिछली साल कंबल लौटवाए थे। जनता को नहीं, जानवरों को, गाय भैंसों को। अरे नेताजी, मतदान आपने जनता से लिया और कंबल जो था दर्शकों को उठवाया, ऐसा क्यों? अरे भाई, सर्दी में मर ना जाते, दूध तो नहीं गई पीते हैं, उनसे गद्दारी कभी ना करते। अच्छा नेताजी, तो नेताजी अब इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए आपने एक और क्वेश्चन, कि पिछले महीने एक गांव में आग लग गई थी, उसमें आपका क्या योगदान रहा? उसमें मारो योगदान ये रहा था, जो घायल थे उनको तो पहुंचाया शमशान घाट, और जो मर गए थे उनको भर्ती कराया अस्पताल में, और जुर्माना देने में हमने कोई पसंद नहीं छोड़ी। 50 रुपये का जुर्माना घायलों को और 10-10 रुपये का जुर्माना मरकों को दिया हमने। आपने ये नहीं बताया कि आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह झूठा है, झूठा। सर आपने बहुत ही अच्छा चुनाव चिन्ह रखा है। अच्छा नेताजी, अब पार्टियां तो बहुत हो गई, आप अपनी पार्टी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? भाई, भारी बहुमत से हमें विजयी बनाए, फिर भारी मतों से हमें विजयी बनाए, जो चाय से नमाने उसे दूध और लस्सी पिलाए। वो बताइए, आपने मैसेज किया बहुत बढ़िया। सर, जो अभी कुछ महीनों से महंगाई बढ़ रही है, इसका क्या कारण है? कितने और सवाल लगे साक्षात्कार में आपके? सर अभी तो कुछ और रहेगा, 4-5 क्वेश्चन और रहेगा। अरे नेताजी, सर प्लीज, पॉलिटिशियन की क्या कंडीशन है?